चल जाए। अगेन ये वही डीमैटिक प्योर हो गई, या इसको फिगरेटिव कह लें कि बिल्कुल ही आपने सेंसिबिलिटी उसकी चेंज करके लेकिन थॉट वही कम्युनिकेट किया। ठीक हो गया, इधर से किसी ने नहीं बताया कुछ भी, सारे इधर से बोल रहे हैं। जी नौजवान दोबारा बोलो। आप सब लोग यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। जी बेटा बोले, हमारे दोस्त अक्सर हमारे दिल के मुवाफिक हमारी तारीफ करते हैं। जी बेटा बोले, सुने जी सुने। मोस्टली आवर फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा मोस्टली को देखे ना तो सेंस ये भी बन रही होगी कि मोस्टली आवर फ्रेंड्स ज्यादातर हमारे दोस्त, जबकि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, आवर फ्रेंड्स मोस्टली प्रेयर। एक नुक्ता देना बेटा इधर से उधर हो जाए तो मेहनत से मुजरम हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर एक वर्ड इधर से उधर होने से उसकी सेंस फॉलो होती है। ठीक है जी नौजवान, सुने जी सुने बेटा, ये जाने यू हैव यू विल कम टू नो कि देखे ना ये शेड भी हो सकता है, ये शेड भी हो सकता है, तो जो दूसरे ने किसने लिखा है वो जरूर सुने। जी अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, हमारे दिल के मुवाफिक हमारी तारीफ करते हैं। ठीक है चल जाएगा थोड़ा। जी बेटा अक्सर है या समटाइम्स? प्लेसमेंट होती ही सब्जेक्ट के बाद है, ऑलवेज ओपन यूजली एवर नेवर, तो आप इनको जब स्टार्ट में लिख रहे हो ओपन अगेन सेम वही सेंटेंस और ये सारे वर्ड्स फिर एम्फैटिक मैनर में चले जाएंगे। हम एम्फैटिक मैनर में तो नहीं हो रहे तो इसलिए सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते हम। जी तो फिर सुने जी सुने, सबकी तरफ जाते हैं बेटा। आवर फ्रेंड्स यूजुअली एक्लेम अस टू मेक अस हैप्पी। ठीक हो गया जी बेटा बोले। आवर फ्रेंड्स मोस्टली प्रेज अस एज। ठीक हो गया जी बेटा आप। बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्रक्चरली उसको एक चीज को यूं बांध के रख दो और ये अच्छे अच्छे सेंटेंस की होती है कहीं पर रिदम नहीं टूटेगा बोलते हुए, जहाँ पर बोलते हुए आपको पॉज लेना पड़ जाए, सोचना पड़ जाए, आपको एक समय के लिए सांस लेना पड़ जाए, तो इसका मतलब है वो जुमला फिर कहीं ना कहीं वीक है। जी नौजवान बोलो। सर जो आवर प्लेयर फ्रेंड्स ऑफन अप्लॉड अस एंड हाइड आवर फ्लॉज फॉर देयर फियर ऑफ अपसेटिंग अस। तो नेक्स्ट हो गया, आप आगे चले गए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, इधर से वो पीछे से कोई बच्चा नहीं बोल रहा, ये जो पूरी पट्टी है ना आसमान में आदमी वाली आईडी पीस बैठे हैं ना आप बोलो। हाँ जी जी, ये ब्लू शर्ट फिर आपसे बात करूँगा। ब्लू शर्ट आप फ्रेंड्स ऑफ्टन प्रेज अस टू मेक अस फील हैप्पी। बिल्कुल ठीक जी बेटी आप बोलो। फ्रेंड्स यूजुअली प्रेज अस द वे वी वांट। देखो ना सादा सादा सीधा सीधा जब बात हो रही है तो कोई इधर उधर की बातों में हमें घूमने फिरने की इंट्रिकेसी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा वक्त की किल्लत है, मैं आगे चलता हूँ, आज गिव चांस टू एवरीवन। अव्वल हमारे ऐब उनको ऐब ही नहीं लगते, नंबर वन, या फिर हमारी खातर को ऐसा अजीज रखते हैं नंबर टू, कि इसको रंजीदा ना करने के ख्याल से उसको छुपाते हैं नंबर थ्री, या फिर उनसे चश्मपोशी करते हैं नंबर फोर। चार क्लॉजेज अलग अलग आई है, क्लॉज आइडेंटिफाई कर लिया करें ताकि उससे आपको सहूलत हो जाती है कि अब ये एक सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ये दूसरा सब्जेक्ट वर्ब हो गया, और उस तरीके से फिर आपको सहूलत हो जाती है। अच्छा अब हमने क्या किया जी,
मोस्टली दे डोंट कंसीडर. मोस्टली के बाद कॉमा लगा दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा. या फिर दे डू नॉट कंसीडर मोस्टली आर क्लास हार्मफुल. वो हमारे क्लास को हार्मफुल कंसीडर नहीं करते. और दे कंसील या छुपा लेते हैं. और फॉर बेयर आर डेफिशिएंसीज या फिर हमारी डेफिशिएंसीज को बर्दाश्त कर लेते हैं. फॉर दे लव आवर फीलिंग्स एंड डोंट वांट टू हर्ट अस. अब आपने एक चीज नोट किया, मैंने ऊपर चार क्लॉजेस आइडेंटिफाई की है ना, तो नीचे भी चार क्लॉजेस आ रही हैं उस जुमले में. आप लोग एक एक क्लॉज करके इकट्ठी करते जाओ, आगे कोई कनेक्शन कंजंक्शन आ गया कनेक्टर आ गया वो लगाते जाओ, सेंटेंस आगे बढ़ाते जाओ. नाउ यू पीपल टेल कि आपने इसमें से कैसे कैसे लिखा, किस किस बच्चे ने. जी आप बताइए वन बाय वन. सर दे डोंट कंसीडर आवर फॉल्ट्स एज. अच्छा फॉल्ट्स एज फॉल्ट्स की बजाय फॉल्ट्स एज फ्लॉज. फॉल्ट्स एज दे आर डिफेक्ट्स वीकनेसेस. जो भी एक वर्ड इसके रिप्लेस कर रहे हैं. जी नेक्स्ट. और टू मेक आवर सेल्फ ग्रेट दैट हाइड देम फ्रॉम नॉट टू हर्ट अस. ठीक है जी बेटा बोलो. फर्स्टली दे डोंट कंसीडर आवर वीकनेस एज. अच्छा फर्स्टली कोई वर्ड नहीं होता, फर्स्टली होता है, सेकंडली होता है, थर्डली होता है, फोर्थली होता है. फर्स्टली का कोई फर्स्टली जब भी लिखना होता है फर्स्टली लिखना होता है. First, they don't consider our weakness as flaws, or they consider our esteem so important that in order to protect that they either hide it or neglect it. बिल्कुल ठीक है. जी नौजवान आप बोलो. First, they either don't consider our weaknesses, or they hide our weaknesses in order not to upset us, or voluntarily ignore them. अच्छा ठीक है. जी बेटा. Either they don't take them as a real flaws, or they don't like to hurt our ego. क्या ये पूरी सेंस को क्लियर कर दिया आपने? बहुत प्रिसाइज़ली हो गया. प्रिसाइज़ हो गया. जी बेटा. Initially, they don't consider our weaknesses as our flaws, or they refrain from us that it may hurt our feelings, or they forbear them. ठीक है. जी मालूम. Either they do not consider our faults as defects, or they hide or overlook them, so we are not worried. So we are not worried. We are not worried. नहीं बनेगा. जी बेटा. Either they do not consider our flaws, or they keep them dear, or hide them so that we do not become sad. ठीक हो. अच्छा देखिए ना, मिलता जुलता छोटी मोटी चीजें भी मोंगी गलतियां हैं ऐसी. अब वो इंडिविजुअल लेवल पर मैं एड्रेस अभी करने बैठ जाऊंगा तो फिर वो क्लास शायद सिस्टम पूरी होगी. बट ऑन दी होल हम उस पैटर्न पे चल रहे हैं कि जिसमें हमें चलना चाहिए कि हमने सेंटेंस शुरू कैसे करना है. अच्छा कोई टेंस ऐसा, कोई स्ट्रक्चर ऐसा जो नहीं आता, कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा जो नहीं समझ आ रहा, उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. कोई मुश्किल चीजें नहीं है बेटा जिनको हमने मुश्किल बनाया हुआ है. जी सर, ये जो यहाँ पर इन्होंने इसके इसको रंजीदा ना करने के ख्याल से इनको इनको की जगह हम देम यूज कर सकते हैं. किधर बेटा? इनको छुपाते हैं, hides them, them use, them का वर्ड यूज कर सकते हैं. अच्छा अब देखें ना, अव्वल हमारे ऐब उनको ऐब नहीं लगते, समझ ले इतना हिस्सा है, फिर क्या करेंगे? समझ ले कि और कुछ नहीं है, लेकिन ब्रेक करना है इसमें. बिल्कुल ठीक है, हो गया इधर. या फिर हमारी खातर को ऐसा अजीज रखते हैं. हाँ जी. अच्छा के इसको रंजीदा ना करने के ख्याल से उनको छुपाते हैं. दे कंसील और फॉरबेयर आवर डेफिशिएंसीज. फॉर दे लव अवर फीलिंग्स एंड दे डोंट वांट टू. सीधा सीधा बिल्कुल कोई इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व किए बगैर. बरखालब इसके हमारा दुश्मन हमको खूब टटोलता है. अच्छा टटोलता है तो क्या मुराद है? एनालाइज और जज, ऑब्जर्व अस क्रिटिकली. मतलब देखिए मेरे तो बच्चे मेरे से बेहतर वर्ड बता रहे हैं.
आप बेटा पूरा सेंटेंस बोलो क्या बोलेगा जी बेटा बोले दोबारा बोलो contrary to this contrarily कर लें ठीक है और enemy analyzes us completely and tries its best to find any shortcomings ठीक है जी बेटा आप बताएं contrary to this adversary rightly judges us and finds out our vices from every nook and cranny बिल्कुल ठीक है very good आप बेटा कुछ नहीं बोले In this contrast, our enemy destroys and search every corner to bring our weaknesses out, although he is saturated it with energy. Bolo ji. Sir, on the contrary, enemy analyzes. On the contrary. On the contrary. Achha, on the contrary. ठीक है. Enemy analyzes your flaws from every possible angle. Sir. दो वो दुश्मनी से छोटी थी बेटा बोले contrarily our enemies just judge us thoroughly and finds our weaknesses regarding all our all aspects ठीक हो गया जी बेटा आप बताइए besides this the high scope नहीं besides this के बजाय contrarily कर ले ठीक है on the other hand कर ले अच्छा ठीक हो गया जी ये तो सारी डिफरेंट प्रेडिक्शन की चॉइस आ जाएगी ये इशू नहीं आगे आ जाए वो दुश्मनी से छोटी बात को बड़ा बना देता है मगर उसमें कुछ ना कुछ असलियत होती है although because of his animosity he exaggerates our weaknesses he doesn't lie मगर उसमें कुछ ना कुछ असलियत होती है मैंने क्या लिखा है He does not lie completely. अब देख ले पूरी idiomatic. उसमें कुछ ना कुछ असलियत होती है तो मैं बिल्कुल और तरीके से ले गया He does not lie completely कह दिया आपने क्या लिखा बेटा बोले मैंने पिछले सेंटेंस के कंटिन्यूएशन में बोले मतलब contrary to this our adversary rightly judges us and finds out our vices from every nook and cranny which implies that he turns a mountain out of a molehill due to his enmity बिल्कुल ठीक very good जी नौजवान ने ये लिखा yet there is always some reality in that yet there is always some reality in that जी sir although out of animosity he might exaggerate it to some point yet it does contain some truth बिल्कुल ठीक जी बेटा although he makes little matter abused by enmity but it has little bit truth in it theek hai lekin milti julti baat sare 80 70% tak theek ja rahe hain isko 90 aur 100% tak leke jana 10 12 din lagatar ek ek paise daily likh ke check karwa le aur do roz ek paise likh le aap dekhenge ki aapko acha khasa tabdili aa jayegi theek hai chaliye जी बेटा बिल्कुल ठीक दोस्त हमेशा अपने दोस्त की नेकियों को बढ़ाता है अ फ्रेंड ऑलवेज ओवर एम्फेसाइजेस वर्चू लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा और पॉजिटिव वर्ड कर दिया ओवर एम्फेसाइजेस हाइलाइट्स भी ठीक है एग्जैजरेट्स भी ठीक चल जाएगा जी मैग्नीफाई करता है चले फोकस से जरा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा देता है 45 ठीक है इनविगोरेट्स अच्छा इनविगोरेट्स का वैसे कॉन्वर्टेटिव मीनिंग कुछ और हो जाएगा वो आपको जो चीज फ्रेश कर दे दोबारा आपकी एनर्जी को बढ़ा दे प्रोपगेट भी ठीक है ओवर एम्फेसाइज ज्यादा बेहतर है एक दो वर्ड से क्या आप बोलो बेटा प्रमोट ज्यादा बेहतर है बूस्ट अप भी चले किसी हद तक चल जाएगा जी बेटी आप बताएं फ्रेंड ऑलवेज ओवर एम्फेसाइज इट्स लाइक सेम ऑलमोस्ट जी बेटा आप बताएं
Will chose an office friend or जी बेटा आप बिल्कुल हमारे आप जी बेटी ठीक हो गया इन्होंने उसको 22 वर्ष का कर दिया तो फैल फ्रेंड्स 45 वन अनदर फ्रेंड्स नहीं आप फ्रेंड लिखो या फ्रेंड्स ठीक है चले आप फ्रेंड या फ्रेंड्स ठीक आ गए वन अनदर स्ट्रेंथ्स व्हाइल फोर इंक्रीज वीकनेसेस और वीकनेसेस ठीक है जी लास्ट में बचा हुआ बैठे सर फ्रेंड्स वर्सिफाई आर फ्रेंड्स एम्प्लीफाई आर वर्चुअस एंड एनिमीज एम्प्लीफाई आर वाइसेस बिल्कुल ठीक है वेरी गुड बस अब बाकी तमाम बच्चों का से मिलता जुलता ही होना है सर इसलिए हमें अपने दुश्मन का ज्यादा एहसान मंद होना चाहिए जी सवाल है आपका पूछे सर ये इस तरह ठीक है सर फ्रेंड्स एंड एनिमीज आर द एक्सट्रीम्स ऑफ फाइंडिंग आवर गुड्स एंड बैड्स चल जाएगा लेकिन उसकी वो जो रिफ्लेक्ट स्पिरिट थी वो थोड़ी सी वीक हो रही है थोड़ा सा वो उतना चाम नहीं दे रहा है जी नौजवान सही है सर फ्रेंड्स ऑलवेज फॉल फॉर आवर गुड ट्रेट्स दोस्त हमारे नेकियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है ये तो दोस्त हमेशा हमारी नेकियों को पसंद कर दिया आपके ये सेंस बन गया अब इट चेंज जी हाँ ये बिल्कुल ही आपने उसका एक वन लाइनर बना दिया चल जाएगा So we should be indebted to our rival as he informs us of our grateful, thankful, ji. That's why we should be thankful for our enemies because he alert ya inform us from our flaws. About भी लिख सकते हैं सर. About or short. जी बिल्कुल कर सकते हैं. जी बेटा बोलें. He acknowledgement होगा वो acknowledge करता है He make us realize हो सकता है He let us us ज़्यादा He makes चले ठीक है कर सकते हैं जी ठीक है जी आप बोलें so we should more acknowledge enemies because the awareness of flaws. Hence, therefore we should be obliged to our opponents for miraging बिल्कुल अच्छा ग्रेटफुल होता है मैं आपके लिए ग्रेटफुल वापस सुन रहा हूं थैंकफुल जरा थोड़ा सा बिगर पर्सनालिटी के लिए आप थैंकफुल बोलो ओब्लाइज्ड भी जरूर सकते हैं हां ओब्लाइज्ड कर लें तो ग्रेटफुल और थैंकफुल में थोड़ा सा ये है कि ग्रेटफुल थोड़ा सा जरा मेरे आपके लेवल पर चल जाएगा थैंकफुल आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह कि आई एम थैंकफुल टू अल्लाह इज मोर एप्रोप्रिएट जी बिल्कुल वेरी गुड बहुत अच्छा बिल्कुल ठीक है अब देखिए ना ये छोटी छोटी चीजें जो के देखने में बहुत मुश्किल लग रही थी हमने दो मैसेजेस अभी किए हैं तीसरा आपने करना शुरू किया है और आप लोग बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं मुझे कोई ऐसी कोई मेजर ब्लंडर नहीं नजर आ रही छोटी मोटी क्लास तो ठीक है सब में रहनी है बट वो जो एक कोर इश्यूज होते हैं जी आप लोगों को तो बिल्कुल सेंसिबिलिटी नहीं है वो कहीं पर नजर नहीं आ रही तो इट शोज के अगर आप थोड़ी सी भी मेटिकुलसली इसको एफर्ट करें तो ये बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको ट्रांसलेशन के बच्चे दे सकता है ये पांच नंबर मुफ्त में ऐड हो सकते हैं विद स्लाइट एफर्ट ईडीएम के पांच नंबरों के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है 10 में से पांच जेब में रख लेना 10 का क्वेश्चन है ना तो 5 आने हम ये जेब में रख लेते हैं हम 50% मार्जिन में चल रहे हैं तो ये 50% कैसे आ जाने हैं कि अगर आप रोज 20 मिनट 25 मिनट दे के 10 दिन प्रैक्टिस कर लो तो 5 नंबर आ जाएंगे अच्छा idioms के लिए रोज आधा घंटा लगा के महीना भी करो तो श्योर नहीं होगा कि 3 नंबर भी आ जाए तो जो चीज जी बेटा आप तो 10 के 10 करेंगे ना आप तो फिर एक्सेप्शन है ना हम तो एक नॉर्मल बच्चों को बता रहे हैं जो आम बच्चे उनको ड्रेस वाले हमारा मुखातिब जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट है वो नहीं है हम दोनों काम नहीं कर रहे
अच्छा वही फिर भी एक्सेप्शनल है आप तो काम नहीं कर रहे तो मैं नॉर्मल बच्चे को कह रहा हूँ ये करना है आपने तो कोई एक काम जरा मिठाई से उसे अच्छा कर रहे हैं किसी तनाजर में देखा जाए तो दुश्मन दोस्त से बेहतर साबित हो सकता है इन दिस पर्सपेक्टिव अ फॉर प्रूव टू बी वर्थियर देन अ बिल्कुल मैंने तो ऐसा वर्थियर लिखा था कोई थोड़ा सा टीचर डिफरेंस रखेगा तो आप तो कहेंगे ना अगर टीचर भी वही बातें यूज करेगा तो आपने कहा ऐसा तो आप भी लिख रहे हैं तो आई नीड टू बी स्लाइटली डिफरेंट जब मैं कुछ वर्ड कुछ एक्सप्रेशन या कुछ लैंग्वेज ऐसे लिख रहा हूं लेकिन सर हमें डरा दिया जो कॉमनली यूज एक्सप्रेशन है वो कर लें ठीक हो गया जी सर ट्रांसलेशन इज क्लोज और जो मैंने चार पांच बातें जो बार हाँ पहले बता चुका था ना उनकी सिर्फ आपको रिहर्सल करवा के क्लियर रिमूव करने की कोशिश की है कि इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क जी बेटा कौन तो फिर सर इसमें देखे ना अगर तो उर्दू के जुमले में वो यू की सेंस बननी चाहिए जब इंग्लिश में जा रहे हो तो बनाओ और अगर नहीं बननी चाहिए तो फिर ना बनाओ मसलन अली ने मुझे बताया कि मैं बीमार हूं अच्छा आप क्या कहेंगे अली टोल्ड मी दैट आई वाज इल अब यहां पर सेंसिबिलिटी ये डिमांड कर रही है कि आप आई की बजाय ही यूज करो तो फिर तो उसको कन्वर्ट करो अच्छा अली ने मुझे बताया कि वो बीमार है अली टोल्ड मी दैट He was ill. अब ये sense ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको बिना वजह change करो, तो वो गलत है। Sir, जिस इसमें जिस तरह यानी हमारा हाँ तो our को तो नहीं कर सकते। नहीं। ले जी बेटा translation इस दांत जी नौजवान जल्दी जल्दी कोई क्लिक। In this perspective, adversaries are more friends than friend itself. In this perspective, adversaries are more friends than अच्छा ये फिगरेटिव है प्योर जो पहला है ना वो बिल्कुल आर्टिस्टिक और क्लामरी तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम ट्राई टू बी सिंपल चल तो जाएगी ये और अच्छी भी है लेकिन हर जुमले पे ये चले या ना चले कि कहाँ कहाँ पर आपने ये करना है वो फिर नीड्स टू बी लुक्ड इनटू तो बेहतर है कि जितना सीधा सीधा रहेंगे उतना ही ठीक है अच्छा कोई क्वेश्चन सिर्फ ट्रांसलेशन से रिलेटेड है ना आपके माइंड में वो कर ले अदरवाइज ये टॉपिक आपका क्लोज है इसमें वही छह बातें जो बार आपको बताई हैं उनकी जरा रिहर्सल करवाई गई है जी कोई क्वेश्चन नहीं चल गुड हो गया जी बेटा दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में लिखें तो सेफ ऑप्शन है मैंने जब आपको बेटा पंक्चुएशन करवाई थी तो मैंने दो तीन बातें बताई थी कि यूजुअली मोनोक्लॉज सेंटेंस इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड एक्सप्रेशन बाय क्लॉज अगेन अ गुड चॉइस अगर आपने दो ख्यालों को कन्वे करना इकट्ठा तो और अगर बहुत जरूरत पड़ी है तो फिर जाए ट्राई क्लॉज क्या अदरवाइज छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस अपना अपना मफहूम क्लियर करते हैं अच्छा कुछ जगहों पे जुमले इनएविटेबली कनेक्टेड होते हैं कि अब आप उनको ब्रेक कर ही नहीं सकते वरना पिछले और अगले की सेंस टोटल खराब हो जाए वहां पर तो मिला के लिखो जहां पर आपको लगे कि सेंटेंस ब्रेक करके और एक नया सेंटेंस शुरू करके रिदम वैसा ही रहता है तो फिर आई वुड रिकमेंड के स्मॉल सेंटेंसेस होने चाहिए फिर हम बिना वजह उसको कनेक्टिविटी में ना लेके जाएं तीन तीन जुमलों को वीक हो जाएगा वो सेंटेंस बट अगर वो इनएविटेबल है तो फिर तो बेटा चलाना ही पड़ेगा मैंने गुजरे एक लिखा है मोनो आपने देखा होगा कि तीन चार दो आदमी इकट्ठी लिखी हुई जी अगर उर्दू में सर एक ही उसमें काफी सारे जुमले हो तो सर इंग्लिश में हम उनको ब्रेक कर सकते हैं सर जैसे उसका वो जो डैश आते उसके खत्म होने से पहले उसमें काफी सारे सेंटेंसेस आए सर जैसे यहाँ पर भी आपने करवाया हाँ जी मुझे पता है मैंने यही जवाब दिया ना कि अगर तो उनकी सेंसिबिलिटी तोड़ने से रिदम भी टूटता है और सेंटेंस की सेंस वीक हो जाती है फिर ना ब्रेक करो और अगर वो नहीं होती तो फिर जरूर ब्रेक करके फुल स्टॉप लगा के नया सेंटेंस चलो ठीक हो गया जी अब आप लोगों के साथ अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दो तीन टॉपिक जो करवाने हैं उससे पहले आप लोग 10 मिनट की ब्रेक ले लें एंड आई नीड जी
नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करवाऊंगा बेटा? जो नैब के जज होते हैं ना, वो फैसला सिर्फ सुनाते हैं, पीछे से डायरेक्शन आ जाती है, लिखा हुआ आ जाता है, ये पढ़ के लिखा दे, तो मुझे क्यों डायरेक्शन आ जाएगा? सर आप लाइव जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं सर, कुछ भी नहीं बेटा, वही आ जाना तो ऐसे बेटा मजाक में कर रहे देखो मोबाइल भी छोटा भाई यूज करता है, जो पोस्टर शॉट वो लिखता है, मैंने नहीं कभी लिखी सर। आप लाइव जा रहे हैं, देखा होगा आपने जो मोबाइल उसे दे दिया जी, मोबाइल उसे दे दिया, उसे कहा वो मीटिंग में वो लाइव जा रहे हैं, उसने शायद देखा हो। नहीं नहीं वो नहीं देखी, दिखा। अच्छा तो अब सुन लें, अगला याद तो मैं करवाऊंगा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और करेक्शन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो 2018 वाला आया हुआ है पेपर में, उसमें मैंने देखा स्कीम बिल्कुल चेंज है। 16-17 में इंटायरली एक डिफरेंट स्कीम थी, 18 में जब कल उसको देखा बैठ के तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्कीम के साथ है, तो वो मैंने सॉल्व किया है, वो फिर आपको स्कीम बताते हैं। इसी तरह करेक्शन 2018 की बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसको भी करते हैं डिस्कस, और करेक्शन की कुछ चीज़ें आपको फिर और भी करवाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, करेक्शन, और अगर वक्त बच गया तो पंक्चुएशन वाला भी काम करवा देंगे, फिर कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी और जो चीजें रह जाएंगी वो कल वाले सेशन के जाएंगे। ठीक हो गया, तो ऑल ऑफ यू शुड बी बैक विद इन 10 to 15 मिनट्स।